Hi guys, good to see you all. I hope I'm visible and audible to all of you. I hope I'm visible and audible to all of you here. Please confirm this and we can quickly start with this quiz today. Hello everybody. So another very important quiz for this one. Yes, we're going to start very quickly. ओके सो अब मेरे को लगता है कि जो क्लैट में हो गया वो हो गया, अब उसको ज्यादा सोचने का कोई पॉइंट नहीं है. लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एलेट, एमएचसीटी, ब्लैट, जो भी आपके आगे एग्जाम्स आ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड. अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, अगर नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, विल फिगर आउट समथिंग. ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइज, हाय, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, हेलो हर्ष, हाय तनुश्री, हाय प्रतीक्षा. सो वी गोना स्टार्ट विद दिस. हाय कीर्ति. सो जस्ट विल स्टार्ट दिस इन 2 मिनट्स, लेट अदर्स आल्सो ज्वाइन. 2 मिनट में विल स्टार्ट दिस क्विज एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू ऑन करंट अफेयर्स. मैंने पहले भी काफी क्विजेस लिए, सो आई होप आप मेरे वाले क्विजेस देख लेंगे. सो ऑल ऑफ दोज वर स्पेशल क्लासेस क्विजेस, ठीक है. तो मैंने फ्री में वो वाले क्विज लिए, आप जाकर मेरी प्रोफाइल में जा सकते हो और मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. सो दीज आर फ्री क्लासेस, ठीक है, ये मेरी फ्री क्लासेस है जिनको आप प्रॉपरली देख सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड लुक एट द क्लासेस, आपसे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है. तो आप ये फ्री में क्लासेस देख सकते हो, मैंने काफी सारे क्विजेस कर रखे हैं, सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दीज फ्री क्लासेस. ओके, सो थैंक यू, थैंक यू. हाय, हेलो रिया, हाय शिवानी, रिजल्ट अवेटेड. हाँ, वेट करना है फिर. Okay, so just give me 2 minutes. Within 2 minutes, we will start with this quiz. Counseling के लिए select किया है. Counseling के लिए select किया तो एक बार try कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि you have a chance, you can definitely try. Okay, hi Kaushiki, good to see you. है ना? So we are going to be starting this very important quiz, guys. ये काफी ज़्यादा important रहेगा आपके बेसिकली अभी प्रिपरेशन के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एलेट, क्लैट या मतलब आईलेट और उसके आगे आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये. सो वी गोना बी डिस्कसिंग दैट. लूसेंट बुक में कैसे फिगर आउट करें क्या करना है. प्रतीक्षा में एक आज मेरी रात शाम को क्लास है 6:30 पे, मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा ये आपसे, ठीक है. आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. हेलो पंकज, हाय. क्लैट काउंसलिंग क्या होता है यश? 2022 एस्पिरेंट्स को हम अच्छे से समझाएंगे बाद में, ठीक है. क्लैट काउंसलिंग का सिंपल सा मतलब होता है आपकी रैंक आने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. जस्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, जस्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस आपको काउंसलिंग के लिए जाना होता है. ओके, एमएचसीटी 3 ईयर वाले भी कर सकते हैं इसको. 12,000 रैंक पे आईपी हो जाएगा. थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कृष्णा, बट आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है. कट ऑफ तो अभी नहीं बता सकते यार, कट ऑफ तो किसी का नहीं बता सकते अभी, कट ऑफ क्या होने वाला है. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द कट ऑफ राइट अवे, वी विल हैव टू सी एंड वेट फॉर द कट ऑफ राइट नाउ. एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में. ओके, दृष्टि, दिस इज गोइंग टू बी अ 40-50 मिनट सेशन, है ना. जितनी जल्दी हम क्विज कर पाएंगे उतना जल्दी खत्म कर देंगे क्विज को. चलो स्टार्टिंग दिस. 3000 में आप जा सकते हो प्रभात, 3000 में जा सकते हो. एलेट गोइंग टू बी स्लाइटली लेंदी, एलेट लेंदी रहेगा. मैंने एक पूरी क्लास करी जब मैंने आपको बताया कि आपको पेपर कैसे करना चाहिए. कल रात को मैंने इसका लीगल रीजनिंग वाला लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था कि लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है. आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू यस्टरडे ओनली, तो वो सब करना इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू बैच फॉर द क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स. दिस इज कॉल्ड जस्ट जस्टिस 2.0. दिस स्टार्ट्स टुमारो. ओके, केशव लाइव इज माय कोड, यू कैन यूज माय कोड, गेट 10% ऑफ. आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई मीन, ठीक है. यू विल गेट द रेलेवेंट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, केशव लाइव इज माय कोड. तो आप स्पेशल के साथ साथ मेरी प्लस क्लासेस में भी आ सकते हो, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर स्टार्टिंग अ बैच टुमारो अगेन, ठीक है. इट्स नॉट ऑन 28th, इट्स द 30th दैट वी आर स्टार्टिंग दिस बैच. ओके, केशव लाइव इज माय कोड अगेन. आई विल बी टीचिंग लीगल रीजनिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन.
अगेन केशव लाइव कोड है 10% ऑफ के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर बैच के लिए भी, सेम लिंक रहता है ठीक है। और आपको अगर 12 मंथ का आप लेते हो यू गेट 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी, सो यू गेट 14 मंथ्स इन ऑल। ओके फॉर दोज आर ज्वाइनिंग माय क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम केशव मालपानी, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग आर माय फोर्टे, दैट इज समथिंग आई डिस्कस हियर ऑन अ डेली बेसिस। 12 मिनट्स टू क्लैरिटी इज माय यूट्यूब चैनल एंड केशव लाइव इज माय कोड टू गेट 10% ऑफ ठीक है। सो गाइस आई एम क्विकली स्टार्टिंग विद द क्विज नाउ, क्विकली स्टार्टिंग विद द क्विज। तो जो जो भी आंसर देगा वो कॉमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है, कॉमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है, उसके बाद में मैं आपको उसका सही आंसर बता दूंगा ठीक है। चलो स्टार्टिंग विद दिस क्विज। हाँ 50,000 रुपीज रिफंड हो जाएंगे 18 से पहले, 18 से पहले अगर आप वापस उसको मतलब ऐसे रिट्रैक्ट करते हो या बाहर आ जाते हो तो वो हो जाएंगे रिफंड। चलो स्टार्टिंग दिस। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, Who will chair the meeting of high level committee? Exactly. The answer is D. It's Narendra Modi. Okay, high level committee to commemorate the 400th birth anniversary of Prakash Surab, Shri Guru Tegh Bahadur Ji. ठीक है? Shri Guru Tegh Bahadur Ji की 400th anniversary को मनाने के लिए Narendra Modi is going to be creating a high level committee. So guys, हम जो ऐप पर जो क्विज करते हैं ना उनका ये फायदा होता है कि उसमें पोल होता है, हम उसमें पोल करते हैं राइट, तो सारे कमेंट्स नहीं करने पड़ते राइट, तो उसमें इसमें हम पोल नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर हम कमेंट्स में ही बेसिकली द मेजर रीजन फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर क्विज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। सो आई विल गिव यू सफिशियंट टाइम टू नोट देम एज वेल। ओके द आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी। ओके इसका बताओ, कुछ जीके टुडे से है, कुछ इधर उधर से भी है, सिर्फ जीके टुडे से नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड टू पब्लिश द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लो प्लीज, पब्लिश टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आरबीआई। चलो इसका बताओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग बिल्ड विद द असिस्टेंट ऑफ द सिटी ऑफ सेशेल्स। ठीक है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, विक्टोरिया। ओके द आंसर इज डी, विक्टोरिया, विक्टोरिया इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन राइट। ओके इट्स विक्टोरिया। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अगेन। ओके पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक कॉल्ड ओडिशा इतिहास। ओडिशा इतिहास ओरिजिनली ओडिशा की लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय हरेकृष्ण मेहताब, हरेकृष्ण मेहताब ने लिखी थी, सी इज द आंसर। ओके हरेकृष्ण मेहताब रोट दिस, गुड गोइंग सो फार, वेरी गुड। ओके
फर्स्ट टाइम इंडियन एक विमेन एज अ सेलर जो बेसिकली बोट वगैरह चलाते हैं टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके सो द आंसर इज नेथरा कुमानन. नेथरा कुमानन इज द फर्स्ट इंडियन सेलर फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ओलंपिक्स. नेथरा कुमानन. हमने अभी ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल है ना. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिल्वर सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स मीराबाई चानू. ठीक है दिस इज इन वेट लिफ्टिंग. वेरी गुड वेरी गुड. मूविंग अहेड. अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था आपसे. वी डिस्कस दिस यस्टरडे. नहीं वो हमने जो कल डिस्कस किया था वीनस वाला दैट वाज डिफरेंट. दैट इज द ओडीसी से स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा वाज लॉन्च इन 2001 इज ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट. जो 2001 में हुआ था. वीनस वाला तो 2021 में ही लॉन्च करा है. 2001 में उन्होंने लॉन्च किया था. अभी वो कहां ऑर्बिट कर रहे हैं. मार्स इज द करेक्ट आंसर. बी मार्स इज द करेक्ट आंसर. ओके करेक्ट आंसर इज मार्स. यस चलो ये बताओ छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड. छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको मिलेगा. सो द आंसर इज दूती चंद. दूती चंद को मिलेगा. ठीक है इनकी अभी बायोग्राफी भी लिखी गई रिसेंटली. ओके सो शी इज वन ऑफ द फ्यू एथलीट्स हु हैज कम आउट एज अ होमोसेक्सुअल. ठीक है तो इनपे मतलब काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था इनका. बट देन शी इज वेरी ब्रेव दैट शी इज कम आउट एज अ होमोसेक्सुअल. उन्होंने बताया है पूरी दुनिया को. सो दूती चंद इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. शी हैज रिसीव द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड. शी विल रिसीव बेसिकली. ओके एंडिंग दिस. नेम ऑफ द फर्स्ट एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का. अभी सीजेआई बोबड़े ने लास्ट ईयर इसको किया था. लास्ट मतलब लास्ट हमारे सीजेआई ने इसको इनॉग्रेट किया था. ठीक है द आंसर इज सुपेस. सुपेस इज द आंसर. ओके ग्रेट. ये बताओ Which edition of the Development Committee meeting of the World Bank and the IMF? Okay, it is 103rd edition. 103rd edition tha World Bank aur IMF ki meeting ka. Theek hai, Development Committee ki meeting hui thi. For the 103rd time, the 103 is the correct answer. Alright? Perfect. चलो मूविंग अहेड. ला सुफ्रीर वोल्केनो. ला सुफ्रीर वोल्केनो.
लीगल करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, और 9 मंथ्स भी कर सकते हो टू बी सेफ. सो गाइस द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ला सोफ्रीर वोल्केनो इज इन द कैरिबियन आइलैंड्स. ठीक, इट्स इन द कैरिबियन आइलैंड्स विच इरप्टेड रिसेंटली. ओके, इट्स इन द कैरिबियन आइलैंड्स. कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज वाले जो आइलैंड्स है ना, वो आइलैंड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट एवर फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. फर्स्ट एवर फीमेल एस्ट्रोनॉट. आई एम वेरी हैप्पी अ लॉट ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ आंसर्स. दिस इज वेरी गुड एक्चुअली. ठीक है, इट्स एक्चुअली नोरा नोरा अल मतरूशी. नोरा अल मतरूशी. ठीक है, नोरा अल मतरूशी इज द करेक्ट आंसर. इट्स बी, फर्स्ट एवर फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर द स्पेस प्रोग्राम. परफेक्ट. ये हमने डिस्कस किया था बाफ्टा. बाफ्टा हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. सो द करेक्ट आंसर इज नोमैड लैंड. नोमैड लैंड, इसको बाफ्टा अवार्ड मिला था. बाफ्टा क्या होता है? यूके के टीवी अवार्ड होते हैं, काफी फेमस है ये पूरे वर्ल्ड में, बाफ्टा अवार्ड. ठीक है, तो नोमैड लैंड को मिला था इस बार. नोमैड लैंड गॉट दिस अवार्ड. ओके, बेस्ट फिल्म एट द 74th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, बाफ्टा. मूविंग अहेड, सजीबू शिरोगा फेस्टिवल. तो सजीबू शिरोगा फेस्टिवल इज झारखंड. ठीक है, इट्स झारखंड. बी इज द आंसर, सजीबू शिरोबा फेस्टिवल. ओके, नो इट्स नॉट सी, इट्स बी. एक बार चेक कर लो फिर से, प्लीज चेक कर लो. इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट्स बी. एक बार फिर से प्लीज चेक इट आउट. एक बार कोई समबडी कैन क्विकली गूगल इट ऑल्सो. इन माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज बी. ओ सॉरी, इट्स सी. माई बैड, मेरा फॉल्ट है. दिस इज मणिपुर. मणिपुर इज द आंसर. सॉरी, आई एम सो सॉरी. मणिपुर इज द करेक्ट आंसर. माई बैड, माई बैड. दिस इज माई, आई टेक इट ऑन माई सेल्फ. ठीक है, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर. सजीबू शिरोबा राया. एवरीबडी वॉज राइट, आई वॉज रॉन्ग. माई बैड. ठीक है, नीति आयोग. द करेक्ट आंसर इज पोषण ज्ञान. ठीक है, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स. ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है ना. दे हैव स्टार्टेड अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दैट इज पोषण ज्ञान. ठीक है, दिस इज पोषण ज्ञान, उसका नाम रखा गया है. पोषण ज्ञान इज द नेम. ओके, ग्रेट. मूविंग अहेड,
रिसेंट है, दिस इज रिसेंट। सो द करेक्ट आंसर इज आहार क्रांति। ओके, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड विच मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड ऑफ अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट? इट्स द आहार क्रांति। ओके, आहार क्रांति इज द करेक्ट आंसर। ओके, इट्स आहार क्रांति। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट mRNA बेस्ड COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, द करेक्ट आंसर इज ए। इट्स HGCO19। HGCO19। इट्स ए। ओके, इट्स HGCO19। मूविंग अहेड, ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी किसको बनाया गया रिसेंटली? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? गुड, ये सबको पता है मोस्टली। फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडियाज फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन। ठीक है, इंडियाज फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मिस्टर टीवी सोमनाथन। बिल्कुल। डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। Who has been appointed as the director on the central board of the RBI? It's Mr. Ajay Seth. Mr. Ajay Seth. Mr. Ajay Seth has been appointed as the director of the central board of Reserve Bank of India. Okay, Ajay Seth is the correct answer. आई थिंक ये हमने पढ़ा था, ये हमने क्लास में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलके देव लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, SCRI, जहां पे तीनों कंट्रीज को अलग अलग काम दिया गया है। तीनों कंट्रीज को अलग अलग काम दिया गया है, वेर इन एक जगह वैक्सीन बनेगी, एक जना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। राइट, वी डिस्कस दिस इन आवर क्लास। चलो मूविंग अहेड। दिस शुड बी इजी। अभी हमने यूएस के साथ किया था, उसके बाद में हमने किससे करने को बोला है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज रशिया। ओके, इंडिया एंड विच कंट्री विल एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बिटवीन फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स? इट इज रशिया। परफेक्ट। ओके, पाइथन 5। पाइथन 5 कौन से टाइप की मिसाइल है?
यूएसए के साथ हुआ था दीपेंद्र, यूएस के साथ हमने किया था और फिर उसके बाद में हम रशिया के साथ करने वाले हैं। सो पाइथन 5 इज बेसिकली एन एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, इट्स एन एयर टू एयर मिसाइल, बी इज द करेक्ट आंसर, पाइथन 5। बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएफ विल नॉट बी अवेलेबल, पीडीएफ इसका यूट्यूब से अवेलेबल नहीं हो सकता है ना। सो गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चाइना, ठीक है। चाइना ने अभी भेजा है कि स्पेस डेब्री जो होता है ना, स्पेस से बेसिकली जो एक्स्ट्रा डेब्री बच जाता है उसको नेट से कैच कर लेंगे वो, ठीक है। देव सेंट अ नेट लाइक दैट दैट इज गोइंग टू कैच दैट डेब्री, डेब्री को कैच कर लेगा वो। चाइना इज द करेक्ट आंसर। ओके, काम्या, वी विल फिनिश द क्विज वेरी क्विकली इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। इट्स अमित बैनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ बीईएमएल, कोई बता सकता है व्हाट इज बीईएमएल? बीईएमएल का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? बीईएमएल क्या होता है? टेल मी व्हाट इज बीईएमएल। ठीक है, बी से भारत, बिल्कुल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वेरी गुड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सो इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसके अभी चेयरमैन एमडी चेंज हुए हैं, ठीक है, अमित बनर्जी। चलो गुड, उनका 2030 तक का प्लान है। WHO has unveiled a global immunization strategy under which 50 million children will receive life-saving jabs against diseases by which year? It's still 2030. 2030 के अंदर कम से कम अबाउट 5 करोड़ बच्चों को लाइफ सेविंग वैक्सीन्स मिलेंगी। हरिहर पॉलिसी नाम में इसके आंसर है। सो इट्स हरियाणा, ठीक है, इट्स हरियाणा फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अबैंडेंड एंड सरेंडेंड चिल्ड्रन, ठीक है, हरिहर पॉलिसी, इट्स हरियाणा। ओके गुड, सो द नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैव बीन लॉन्च इन केरला, केरला में लॉन्च करा गया नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीपल। ओके,
It's Kerala. Three indigenous built advanced helicopters, light helicopters. कौन से नेवल स्टेशन पर बनाए गए? द आंसर इज वाइजैग. INS देगा विशाखापट्टनम. INS देगा विशाखापट्टनम. ओके बिल्कुल. टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर लॉ स्टूडेंट्स. टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर लॉ स्टूडेंट किसने लॉन्च करा है रिसेंटली? इट्स एक्चुअली नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इट्स फेसबुक. फेसबुक ने लॉन्च करा है इस प्रोग्राम को, है ना? फेसबुक ने लॉन्च करा है इस प्रोग्राम को. All right. Facebook is the correct answer. Okay. Sure, Anshika, at the end. Rank of India's rank in the Sustainable Development Goals according to the recently released ranks. It's 117 released in the State of India's report, India's Environment Report. 117 is India's rank. Okay, अब ये बताओ, इसका जो आप पहले आंसर दे रहे थे वो है. Facebook is different answer, इसका अलग आंसर है. तो जो सीबीएसई कोडिंग वगैरह सिखाने वाला है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 6 से 8 वाले लोगों को, और डेटा साइंस करिकुलम फॉर 8 to 12, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, सीबीएसई इज कोलैबोरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर दैट. दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. गुड. So it's Vinod Kapri. Okay, 1 to 3 to kilometer long journey home. 1 to 3 to kilometer long journey home is a recent book written by Mr. Vinod Kapri. Yes. अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है 5th of June को. ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 800 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस इन पुणे. इन पुणे ओके, ही लॉन्च्ड इन पुणे. रिसेंटली ये रायमोना नेशनल पार्क को इस पर्टिकुलर स्टेट के नेशनल पार्क की लिस्ट में ऐड करा गया है. ठीक है, इट इज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज असम. असम में ऐड करा गया. रायमोना इज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? इज द स्टेट ऑफ असम.
बिल्कुल क्लास में कराया था हमने। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, एलिमिनेशन है ये, एलिमिनेशन। है ना, इसमें देखो एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, गुजरात और महाराष्ट्र तो मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। दिल्ली इज दी मोस्ट प्लॉजिबल आंसर यहाँ पे, ठीक है। लॉन्च दी, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ठीक है। दिल्ली और लद्दाख, दिल्ली, दिल्ली इज दी करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर घोष इज दी एमडी सीईओ ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बंधन बैंक, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। ऑलराइट, ओके। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर, दिस इज समथिंग वी डिस्कस्ड। राइट, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं ना, वो लीगल टेंडर होते हैं, है ना। क्योंकि वो है तो क्या ही, करेंसी नोट्स है तो पेपर का टुकड़ा, लेकिन उसको गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, इसलिए उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही एल सेल्वाडोर में बिटकॉइन को गवर्नमेंट की बैकिंग मिल गई है, दे बिकम अ लीगल टेंडर इन एल सेल्वाडोर। कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिटाइम सर्विसेज क्लस्टर कौन सी एजेंसी सेटअप करने वाली है इन द गिफ्ट सिटी? इट इज गुजरात, इट इज गुजरात मैरिटाइम बोर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जीएनएलयू भी काफी पास है, जीएनएलयू भी काफी पास होने वाला है ये, ठीक है। गुजरात मैरिटाइम बोर्ड, अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मतलब एनीमिया इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज जो हमें आयरन की कमी से होती है। सो अनीमिया मुक्त भारत। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। विच स्टेट इज टॉप्ड? इट्स मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज टॉप्ड इट अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, मध्य प्रदेश। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 112 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट हो गया है, इंप्लीमेंट होने वाला है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है नीति आयोग ने? इट इज दी पीरामल फाउंडेशन, ठीक है। पीरामल फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके दे आर लॉन्च द सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम।
कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है? गाइस एलिट में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज ध्यान रखना। आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो मैं पहले क्विजेस में करा चुका हूं, उसको प्लीज गलती मत करना अगर वो एग्जाम में आए तो। सो प्राण वायु देवता पेंशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है वो। हरियाणा गवर्नमेंट इज द आंसर, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ओके, सो वी हैव ओनली 5-6 क्वेश्चंस लेफ्ट नाउ, फिर हमारा क्विज हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चंस, फिर जिसको भी जो भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है। ऑल्सो गाइज, इफ यू लाइक माई क्लासेस, आप मेरी स्पेशल क्लासेस में तो आ ही सकते हो। ठीक है, दीज आर फ्री क्लासेस, बट अगर आप बिल्कुल मेरी प्लस क्लासेस में भी आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, मेरा कोड यूज कर सकते हो केशव लाइव, आपको इससे 10% ऑफ भी मिल जाएगा, है ना। इट विल बी अ वेरी आई वुड से एनरिचिंग एक्सपीरियंस। हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, 23 के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। चलो अभी इस रात में करेंगे, 9:15 पे करेंगे। Which company is building world's longest open subsea cable? Firmina cable that connect east coast of the US to La Tamina in Argentina. Okay? SpaceX और Google में सबको doubt है. SpaceX और Google में सबको doubt है. The correct answer is Google. Google बना रहा है. ठीक है? The correct answer to this question is Google. Okay. इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। मूविंग अहेड, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन है, जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, दैट इज मिस्टर हुसैन अल मुसल्लम। हुसैन अल मुसल्लम, आपने अगर ओलंपिक्स को फॉलो कर रहे हो तो हमें याद है कि ओलंपिक्स के सबसे बड़े लेजेंड है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीत रखे, इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था स्विमिंग में। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था स्विमिंग में। कल एक 21 ईयर ओल्ड ने इनका स्विमिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कल स्विमिंग में। माइकल फेल्प्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड कल 21 साल के लड़के ने तोड़ दिया। ठीक है, या हंग नेम आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, मैं आप आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, उखना खुरेल सुख। क्रिस्टोफ मिलाक, बिल्कुल। क्रिस्टोफ मिलाक वो इंसान है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्रिस्टोफ मिलाक, जिसने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, सो मंगोलिया इज द आंसर। उखना खुरेलसुक हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया रिसेंटली। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? सौरभ, मैंने लीगल करंट अफेयर्स का क्विज ऑलरेडी ऐप पर कर लिया, ऐप मेरी स्पेशल क्लासेस चेक करो, आपको मिल जाएगा। ओके, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हैज बीन टॉप्ड बाय एमआईटी। एमआईटी बहुत फेमस यूएस का एक कॉलेज है। ओके, इट्स अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी कॉल्ड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
वेरी फेमस इन द यूएस, ऑल्दो ये सारी फेमस है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया। ओके, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इट्स एक्चुअली सिटी, ठीक है, नॉट कंट्री, इट्स एक्चुअली सिटी। कौन सी सिटी ने टॉप करा है? इट्स एक्चुअली ऑकलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, ठीक है, ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड इज टॉप डेट, बिल्कुल ऑकलैंड। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम? सो इट इज राजस्थान, इट इज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान वैसे भी कोचिंग के मामले में टॉप पर है ना, मतलब ये तो अलग अलग सेंस में बोल रहा हूं मैं। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम राजस्थान, यस यस, यू कैन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑल्सो। लास्ट थ्री क्वेश्चन, लास्ट फोर क्वेश्चन लेफ्ट, लास्ट फोर क्वेश्चन लेफ्ट। नेम द इंडियन हु वॉन द बेस्ट एक्टर फॉर हर फिल्म रागीर, द वे फेयरर एट द यूके फिल्म फेस्टिवल इन 2021। रागीर के लिए जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, इट्स तिलोत्तमा शोम, ठीक है, तिलोत्तमा शोम, तिलोत्तमा शोम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर फिल्म रागीर, द वे फेयरर एट द यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021। या ओके, विमेन सिंगल्स टाइटल दी फ्रेंच ओपन दिस ईयर, ये क्वेश्चन तो काफी आ सकता है, फ्रेंच ओपन तो ग्रैंड स्लैम होता है। ओके, इट्स बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा इज वन दी फ्रेंच ओपन 2021। बारबरा क्रेजिकोवा, ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। पुलित्जर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम्स, पुलित्जर प्राइज मिला था इनको, इसलिए इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है। इट्स मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन इज द करेक्ट आंसर। शिवानी पुलित्जर प्राइज फॉर, वहां पे बताया था बेसिकली कि मुस्लिम्स का उन्होंने क्या कर सका है, अभी वो युगुर मुस्लिम्स का आया था ना, युगुर मुस्लिम्स का आया था इन पर्टिकुलरली इन दी युगुर मुस्लिम, सॉरी युगुर मुस्लिम्स इन चाइना, तो वो सब उन्होंने करा था। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए कोचिंग दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख विल गिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख आई मीन, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर अवेलिंग कोचिंग फॉर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, दिस इज अंडर विच स्कीम? दिस इज द रेवा स्कीम, ठीक है, दिस इज द रेवा स्कीम, रेवा स्कीम है जिसके अंडर उनको कोचिंग के लिए पैसे दिए जाएंगे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उसको। ओके, सो गाइस दिस इज इट अबाउट टुडेज क्विज। If anybody has any doubts or they want to ask any questions, they can stay and rest can leave. Thank you so much. रेवा एक नदी का नाम है, ऐसे अलग से कोई मतलब नहीं है। हाँ पूछिए, मोरे मोराल डाउन है, आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करो, आप बिल्कुल क्लैट के बारे में मत सोचो, ठीक है,
क्लैट के बारे में सोचेंगे तो हमें बुरा लगता रहेगा, सिर्फ एक नए एग्जाम के बारे में सोचो। सिम्बी नोएडा ले लो, सिम्बी नोएडा मिल रहा है तो ले लो। शंकर, एनएलयू डी का अभी हम कट ऑफ नहीं बता सकते बिकॉज लास्ट ईयर के उसके हिसाब से हुआ था, है ना। जिसको एलेट के लिए मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, एलेट मोटिवेशन के लिए मैं आज रात को 9:15 पे लेक्चर करने वाला हूँ, एक छोटा सा, एक छोटी सी मीटिंग करने वाले हैं 9:15 PM पे, मैं रेगुलर टाइम, तो मैं आपको लिंक्स वगैरह भेज दूंगा इसके लिए। ओके, 6592 थोड़ा डिफिकल्ट है भरत, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, डॉम नहीं, देर इज नो डोमिसाइल रिजर्वेशन फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, नो डोमिसाइल रिजर्वेशन। अंशिका नहीं, 9000 में थोड़ा डिफिकल्ट है ना, 9000 में स्लाइटली डिफिकल्ट टू गेट इन एनएलयू। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इनवाइटेड वैसे तो। आईपी यूनिवर्सिटी अभी फिक्स टाइम नहीं है लिस्ट आने का, 44 में आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट नोएडा और हैदराबाद, नोएडा और हैदराबाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनएमआईएमएस मुंबई इज फाइन, मुंबई इज ओके, बीवीपी इज ओके। 8000 में कर सकते हो, बट मतलब आप फोर्थ लिस्ट से पहले विड्रॉ कर लेना अगर फोर्थ लिस्ट तक कुछ नहीं मिलता तो। जो लोग पीछे की रैंक्स पे पार्ट बनना चाहते हैं ना उसका, वो कर सकते हो, बट विड्रॉ कर लेना फोर्थ लिस्ट तक ताकि आपके पैसे ना कटे। नहीं, 10 के डिडक्ट नहीं होंगे, सीट अलॉट हुई तो नहीं होंगे डिडक्ट। ओके चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, हम शाम को मिलते हैं, मेरे से वापस से डाउट पूछ सकते हो। ओके, आई विल मीट यू अगेन एट 9:15, मेरी एक 6:30 पे भी क्लास है, 6:30 पे आई हैव अ प्लस क्लास, आई विल बी टीचिंग यू नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस पढ़ाने वाला हूँ मैं इसमें, तो यू कैन कम। आप मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो सारी क्लासेस का, ठीक है, माय कोड इज केशव लाइव, यू विल गेट 10% ऑफ, इससे आपको अनअकैडमी में सारे क्लैट कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, केशव लाइव यूज करके आप 10% ऑफ भी ले सकते हो। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन।